वेलकम टू एकलव्य जीएस। मित्रों, आज 25 जनवरी है। 25 जनवरी संबंधित हम कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं। एकीकृत केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी किसको बनाया गया है? ये दमन को बनाया गया है। दमन गुजरात में स्थित है। दोनों के विलय के बाद अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। इसके पहले 9 थी, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया था। दो केंद्र शासित प्रदेश 9 थे, अब ये 8 हो गई है। आगे देखते हैं। ब्रेग्जिट विधेयक की ब्रिटिश संसद से मंजूरी के बाद ब्रिटेन कब से यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा? ये 31 जनवरी 2020 से अलग हो जाएगा। इसकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों, ये समझ लीजिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और राजधानी लंदन है। मुद्रा स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? ये नाइजीरिया में किया है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और यहाँ के राष्ट्रपति है मुहम्मदु बुहारी। और इसका जो उद्घाटन किया 22 जनवरी 2020 को किया है। यहाँ की नाइजीरिया की मुद्रा है नाइजीरियाई नाइरा। आगे देखते हैं। हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश को G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? ये गुयाना को दी गई है। गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है। और G77 की स्थापना 1964 में हुई थी जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और G77 में कुल 134 देश हैं। और गुयाना को जो दी गई है इसकी अध्यक्षता, तो गुयाना की मुद्रा जो है डॉलर है। और गुयाना के राष्ट्रपति है डेविड ए ग्रेंजर और गुयाना के प्रधानमंत्री है मोसेस नागामुत्तू। अगला देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा है? ये महात्मा गांधी ने कहा है मित्रों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे एग्जाम के लिए। नेताजी की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था 1897 में। नेताजी कुल 13 भाई बहन थे, जिनमें 5 भाई थे और 8 बहनें थीं। नेताजी अपने माता पिता की 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। इसका मतलब नेताजी के 4 बड़े भाई थे। 23 जनवरी 2020 को 123वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है? ये अपना पड़ोसी बांग्लादेश ने आरंभ की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति यहाँ पे हैं अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। आगे देखते हैं। किस देश ने गजनवी नामक परमाणु क्षमता संपन्न सतह से सतह मारक क्षमता से युक्त बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये अपना चिर परिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है। आगे देखते हैं। एक अध्ययन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में सूखा एवं जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्राणी के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है? ये प्लेटिपस एक प्राणी है, बत्तख की तरह होता है मित्रों। ये जो है इसके चोंच होता है लंबा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु आपातकाल घोषित किया है? ये स्पेन ने किया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, राष्ट्रपति हो मरियानो रजोय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है मित्रों। इसके पहले भी ब्रिटेन ने भी राष्ट्रीय जलवायु आपातकाल घोषित किया था। ये दूसरा यूरोपीय राष्ट्र है जिसने घोषित किया है। अगला देखते हैं। विश्व का पहला रेल सह सड़क पुल का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? ये चीन में किया जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग है और ये किया जा रहा है शंघाई नानचांग यांगसी रिवर ब्रिज। और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। एक्सेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 में उभरता
वह वैश्विक गंतव्य के रूप में किस भारतीय राज्य को यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने वैश्विक मान्यता दी है? ये केरल पर्यटन को मान्यता दी है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। स्मार्ट शहरों का तीसरा सर्वोच्च सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? ये विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये 24 से 25 जनवरी 2020 में आयोजित हुआ। आंध्र प्रदेश की बात, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी, प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, लेकिन वर्तमान राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। दक्षिण एशिया चुनाव प्रबंधन निकाय मंच का अध्यक्ष 2020 के लिए कौन बना है? ये अपना देश भारत बना है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। अगला देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेता कौन है? ये हैं संस्थान श्रेणी में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड को दिया गया है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में कुमार मन्नन सिंह को दिया गया है। अगला देखते हैं, आर्कटिक यात्रा के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये गीतू मोहनदास हैं। अगला देखते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC का ट्रेडमार्क क्या है? ये चरखे का प्रतीक है। अगला देखते हैं, वैश्विक नागरिक पुरस्कार जिसे ग्लोबल सिटीजन प्राइज 2019 कहते हैं, सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019 किसने जीता है? ये प्रिया प्रकाश ने जीता है, हेल्थ सेटगो भारत की संस्थापक। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।